नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक बाल भारती के पाठ 1 पाठशाला के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ पाठशाला में पाठशाला के होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्त की कला और लेखन शैली का विकास भी करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार इत्यादि आदि की पर्ची के माध्यम से वचन और लिंग की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखें तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही शिक्षक छात्रों से पाठ के कॉन्सेप्ट से संबंधित पर्ची बनाकर लाने के लिए कहते हैं। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। जिन छात्रों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के में पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी आदि से जुड़ी पर्ची बनाकर पाठ का पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का पूर्व अध्ययन व व्याख्या कराई जा चुकी हो, गतिविधि से पहले ही बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा दिया गया हो, जिससे कि छात्रों में उत्सुकता बनी रहे। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम इस बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक एक बच्चे को पास बुलाते हैं, बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे इसका नाम शब्द सागर है। इसके बाद अब छात्रों को खेल के नियम बताए जाते हैं तथा पहले से बनाकर लाई गई पर्चियों को बॉक्स में डलवाया जाता है। इसके बाद एक छात्र आगे आता है, बॉक्स से एक पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में उसे पढ़ता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी छात्र ने आगे आकर पर्ची निकाली और माना उसकी पर्ची पर अध्यापक शब्द लिखा है, तब छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग अध्यापिका होता है। इस तरह से बारी बारी से सभी छात्र आते जाते हैं और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से गतिविधि के अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ पाठशाला से नए नए शब्दों को जाना और सीखा। अंत में इस निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे भाषा की बारीकियों को समझना, शब्दों की पुनरावृत्ति करना, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन इत्यादि की को सचेत रहते हुए लेखन क्षमता को समझने की समझ विकसित करना, भाषा की बारीकियों के साथ साथ अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करना, प्रश्न करना, तर्क देना, निजी अनुभवों को साझा करने की समझ विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस नवाचार से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा गया, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ पाठशाला को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube
YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।